प्रयागराज की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं अभिनंदन है। इतने दिन आप प्रयागराज में रहे, जनता के बीच में, यहाँ की पब्लिक के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत प्यार मिलता है यहाँ। कई बार हम लोग यहाँ फिल्म बनाने के लिए आए और इस बार भी हम लोग हे राम जी की शूटिंग करने आए। बहुत प्यार मिला और बहुत सहयोग मिला और इस वजह से ही बहुत अच्छे से हम लोग फिल्म कंप्लीट कर लिए और आज फिर हम लोग अगली फिल्म के लिए लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। यदि भविष्य में आपको तत्कालीन सरकार या तत्कालीन बीजेपी से, आप सांसद भी रहे हैं आजमगढ़ में, बहुत अच्छा आपने अपना कार्यभार देखा, यदि आपको प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा से कभी सांसदी की टिकट अगर सरकार देती है तो क्या चाहेंगे आप, यहाँ से चुनाव लड़ के लोगों की सेवा करना चाहेंगे? मुझे लगता है ये डिसीजन पार्टी का होता है और पार्टी के हम लोग सिर्फ एक कार्यकर्ता हैं और जो भी हमें आदेश मिलता है वो हम लोग करते हैं, तो ऐसा अभी कभी अवसर मिला तो जरूर करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर एक बार फिर से, आपका हमारा, आपने देखा किस प्रकार से दिनेश लाल यादव, जिन्हें निरहू के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भोजपुरी जगत में बहुत दबदबा बना रखा है, उसके साथ जब तक वो आजमगढ़ में सांसद रहे हैं, सांसद बतौर भी उन्होंने पब्लिक की बहुत अच्छी सेवा की है। आइए यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी इस विषय में जान, आप यहाँ कितनी देर से सांसद जी का इंतजार कर? बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्यार हो गया उनसे भाई और धरती पर आए हैं अपने, बहुत मुस्कान आशा दिन दिन। कैसा लगा आपको उनसे मिलकर? बहुत अच्छा लगा भाई। आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं क्षेत्र पंचायत से राकेश सोनकर। आप तो कितनी देर से उनको सर? मैक्सिमम 10 बजे से सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, उनसे मुलाकात हो गई, बस यही मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश और उम्मीद थी। आप चाचा जी, आप अपना नाम बताएं। मैं उमा शंकर केसरवानी और ये हमारे पड़ोस में ही रहते थे, यहाँ हमारा ससुराल है और सुने थे कि आज जाएंगे तो इसलिए मिलने के लिए आज प्रयास में भी। और यहाँ की जनता की नज़रें जो प्यासी थी, काफ़ी सुबह से लोग 9 से 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि लोगों ने बताया, उनके जैसे ही उन्होंने दिनेश को देखा, दिनेश लाल जी को देखा, उनकी आंखों की रोशनी और बढ़ गई और चेहरे पे चमक आई। आइए आई एम आई होटल के मैनेजर साहब से ही कुछ वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। धर्मेंद्र यादव। कैसा लगा दिनेश लाल के साथ आप लोगों ने इतने दिन समय बिताया? उनका जो नेचर है और करेक्टर है प्लस उनका जो व्यक्तिगत स्वभाव है वो बिल्कुल सरल और बिल्कुल वो है। आप फिर कभी चाहेंगे कि दिनेश लाल जी आपके यहाँ आए? और वो नेक्स्ट सितंबर में फिर आ रहे हैं यहीं पे। INA न्यूज़ के साथ मैं प्रभास कुमार, कैमरामैन बीज बंधुन के साथ।